जो डिबेट चल रही है, मैं इस बिल का सपोर्ट कर रहा हूं, इस बिल के पक्ष में हूं। डॉक्टर साहब ने जो लाए हैं, देखिए एक जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ WHO 1000 के पीछे एक डॉक्टर, लेकिन यहां 20,000 के पीछे एक डेंटिस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर ऐसा बिल लाया गया है तो मैं इसकी सपोर्ट करता हूं, सच्चे दिल से सपोर्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं विपक्ष में हूं तो सिर्फ निंदा ही करनी है, अगर कोई अच्छी बात होगी तो मैं तारीफ भी करूंगा। आज मैं तारीफ करने के लिए खड़ा हूं। तो मथुड़ों की बीमारी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, और इलाज जो है उसके बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे दांतों की बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। मैं बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में बसते हैं, वहां बहुत महंगा इलाज है। डेंटिस्ट जो वहां पे जो डेंटिस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं, उनका जो इंश्योरेंस भी नहीं होती, वो अपनी टिकट लेकर, उनको टिकट भी सस्ती पड़ती है कि वो जहां आके अपने दांतों का इलाज जहां करवा के चले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी मिल जाएंगे और उनके दांतों का इलाज भी हो जाएगा। इसका मतलब हमारे यहां जो जो इलाज है उसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं इस बात को मानता हूं। तो मैं बेंगलोर गया था JNI में, वहां एक बात लिखी हुई थी डॉक्टर साहब, वहां एक बात लिखी हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो कैंटीन में लिखी हुई थी कि आंत के दांत नहीं होते, चबाओ, चबाने से उसके बाद खाओ। तो आंत के दांत नहीं होते, जो JNI जो बेंगलोर का एक नेचुरोपैथी एक इंस्टीट्यूट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए कि अगर अमेरिका, कनाडा से लोग यहां इलाज करवाने के लिए आ सकते हैं तो हम और भी इसको बेटर कर सकते हैं। और डेंटल इंश्योरेंस जो अभी तक है नहीं, वो करो, और रूरल डेंटल इंश्योरेंस में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आखिर में सर मैं ये कहूंगा कि संसद में मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद में भगवंत आपके संरक्षण में भगवंत मान भी बच जाए और हमारे देश की मुस्कान भी बच जाए, मैं ये कहना चाहता हूं सर। थैंक यू।